वहीं रेवाड़ी जिले के गांव राजगढ़ में स्कूल अपग्रेड करवाने को लेकर छात्राओं का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। छात्राओं ने कहा कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। साथ ही छात्राओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में कोई हल नहीं हुआ तो वे दिल्ली के हरियाणा भवन तक कूच करेंगी। नहीं, अभी तक कोई भी हमारे पास नहीं आया। बच्चों की संख्या भी पूरी हो गई लेकिन अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला। अब कब तक इस धरना प्रदर्शन करेंगे? कब तक यहाँ बैठेंगे आप धरने पर? हम यहाँ पर तब तक बैठेंगे तब तक हमारे पास लेटर नहीं आ जाता हमारा स्कूल अपग्रेड होने के। हम यहाँ से जब तक नहीं देंगे जब तक स्कूल अपग्रेड नहीं हो जाए। सब अधिकारी आ चुके लेकिन ये कह दें हो जाएगा और कुछ नहीं हो रहा है। आज 10 दिन हो गए, बच्चों को कितनी परेशानी आ रही। आज सारी रात बारिश में बैठे रहे, पूरी रात बारिश में बैठे रहे और कोई जवाब नहीं दे रहा। जहाँ कर जाता है कोई नहीं आता। हमारे सभी रास्ते रुक जाने के बाद ही हमने शनिवार को ये धरना शुरू किया। आज धरने का 10वां दिन, तीसरे दिन ही मंत्री जी और डीसी साहब, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब सभी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि आपका एक ही नॉर्म्स कंप्लीट नहीं है। यदि वो नॉर्म्स कंप्लीट हो जाता है तो हम उसी समय इस चीज़ को डिक्लेयर कर देंगे। वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। हमारी बच्चियों को बहुत परेशानी हो रही है। दिन में कल तेज धूप के नीचे रही और रात में बारिश आने से बहुत परेशान रहे। हम खड़े हुए बैठे बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बच्चियां फिर भी परेशान। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो।